नमस्कार किसान भाई, और राम राम। जो आज की वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में हम आपको जो हमारे पास ट्रैक्टर है कुबोटा MU 4501 फोर व्हील ड्राइव, आज हम इसका रिव्यू करेंगे। आपको आज हम इसकी पूरी जानकारी देंगे वीडियो के अंदर। देख लीजिए आप, अब मैं आपको दूंगा इसकी जानकारी। जो इसमें बैक टायर आते हैं वो 13/6/28 के होते हैं, ये देख लीजिए आप, 13/6/28, और MRF कंपनी के हैं इसके अंदर। अब बताऊंगा इसके अगले टायर, जो अगले टायर हैं 8/18 के हैं। ये ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के अंदर आता है और ये बैलेंस पावर स्टीयरिंग होता है। ये बिल्कुल भी झटका नहीं मारता, ये देख लीजिए आप, दोनों साइड इसमें रोड है, इस साइड भी, ये देख लीजिए आप पावर की, और इस साइड भी। अब हम आपको इसका इंजन दिखाएंगे खोलकर। खोल दे भाई, ये देख लीजिए, जो इसकी सो है वो जैक के द्वारा उठती है, देख लीजिए आप, सिंगल पीस बोनट है इसका, ये देख लीजिए। और जो इसके एयर फिल्टर है, इसके अंदर एयर फिल्टर आता है ड्राई टाइप, ये देख लीजिए। हम आपको इसको खोलकर भी दिखाएंगे, बहुत ही धूल थी इसके अंदर। अभी ट्रैक्टर रोटावेटर पे चलकर आया, इसके अंदर देख लीजिए आप कितनी धूल है, थोड़ा दबा दबा के भाई, ये देख लीजिए आप। चलो इसको तो कर देते हैं बंद, इसको बाद में कर लेंगे हम साहब, आपको और चीज बताएंगे। टायर पे इतना धूल देख लीजिए आप, कितनी ज्यादा है, ये देख लीजिए। जो इसका सेल्फ है वो कॉम्पैक्ट साइज का होता है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, और इसका अल्टरनेटर भी देख लीजिए आप, 43 एम्पियर का है इसका। अब मैं दिखाऊंगा इसका क्लच, जिसके क्लच है सस्पेंडल टाइप है, जैसे कार के अंदर आते हैं क्लच और ब्रेक, ऊपर से दिखाऊंगा, देख लीजिए आप, बहुत ही स्मूथ है। आप इसको एक उंगली से दबा सकते हैं, ये देख लीजिए, एक उंगली से बिल्कुल, इस साइड का दबाएगा दिखा, ये देखिए राइट साइड का। जो इसके अंदर सीट आती है वो एडजस्टेबल होती है, देख लीजिए आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट क्लच के साथ आता है PTO, और जो इसके गियर हैं वो हाई लो के अंदर आता है, और रिवर्स का एक साइड है। ये ट्रैक्टर शटल शिफ्ट के साथ आता है, जो इसका रिवर्स गियर है वो एक साइड है। इसके चार स्पीड होती हैं, चार स्पीड तो पीछे को है और 8 स्पीड आगे को। आप जोन से भी गियर में आपका ट्रैक्टर होगा उसी गियर में आपका पीछे चला जाएगा, चाहे कोई से भी गियर में पढ़ाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जिसका फ्यूल टैंक है वो इसका 60 लीटर का है, ये देख लीजिए, और इसका फाइबर का फ्यूल टैंक है। जिसकी एंड्रोली है वो मीटा कंपनी की है, 3 पॉइंट सेंसिंग के अंदर आती है, और इसके अंदर जो जैक है वो एक साइड में होता है, देख लीजिए आप। जो ट्रैक्टर के अंदर मुख्य पार्ट होता है वो होता है इंजन, ये देख लीजिए। और हमारे ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर के अंदर 4 सिलेंडर हैं, ये देखिए आप, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, ये ट्रैक्टर KQ4P कुबोटा क्वाडर 4 पिस्टन और सिंक्रोमैक्स और डबल PTO और डबल क्लच के अंदर आता है। जो इस ट्रैक्टर का टॉर्क है वो 157 Nm टॉर्क है। अब मैं आपको इसके बारे, इसकी हाइड्रोलिक है जो इसका फिल्टर दिखाऊंगा।
जो इस ट्रैक्टर का इंजन है वो 2434 सीसी का इसका इंजन है, ये देख लीजिए आप। और इस ट्रैक्टर के अंदर एक चीज और कंपनी ने लगाई है, जैसे कि बाइक के अंदर होती है ना, ट्रैक्टर का तेल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देख लीजिए। अब मैं बताऊंगा इसके 4x4 के बारे में आपको, ये देखिए जो इसकी 4x4 की रोड है वो बिल्कुल अंदर को है, वो से ट्रैक्टर के नीचे क्या होता है वे दिखती रहती है, और ये जो इसकी रोड है वो बिल्कुल बंद है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर किसी घास के खेत में होगा तो उसमें कुछ नहीं फंसेगा, देख लीजिए आप, पूरी कवर है। जो इसका फ्रंट एक्सल होता है वो बबल गियर होता है, और जिसकी कटाई होती है पूरी 90 डिग्री पर होती है। अब हम आपको इसको स्टार्ट करा के दिखाएंगे, चलो भाई स्टार्ट कर। इससे पहले हम पूरा आपको फ्रंट एक्सल दिखा देते हैं। आप पहले पूरा एक्सल देख लीजिए, फिर आप बाद में देखिए, स्टार्ट कर भाई। आप इसकी काट देख लीजिए, ये देख लीजिए कितनी, ये देख लीजिए आप कितनी ज्यादा है, दूसरे दोनों साइड का देख लीजिए आप, ये देख कितनी कटाई है। अब मैं आगे से दिखाऊंगा आपको, जो ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा है उसमें ग्रीसिंग पॉइंट दिए गए हैं दोनों साइड, ये देख लीजिए आप, इस साइड भी ऐसे ही है, ये देख लीजिए। वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त है, हमने इस ट्रैक्टर रिव्यू अपने घर पे किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।